हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि कॉलरदार सूट की सिलाई। तो जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग इस सूट की, तो आज इस वीडियो में मैं इसकी सिलाई बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी सिलाई होगी। तो इस वीडियो में आप सब इसकी सिलाई के बारे में देखिए। तो देखिए, ये हमारा कट के तयार है। फ्रंट बैक आस्तीन और जो है गले की पट्टी, पहले स्टेप हमारा गले की पट्टी सेट होता है। तो इसकी कटिंग जो है मैं कटिंग करते समय नहीं बताई थी, तो इसमें आपको बता रही हूँ कि गले की पट्टी पहले, जैसे इस गले गला हमारा कटा है तो इसको फिनिश करने के लिए इस पे जो है पट्टी लगाना पड़ेगा। तो इसकी कटिंग मैं बता रही हूँ किस तरीके से किया जाएगा। जिस तरह से निशान लगा के गला काटा जाता है उस तरह से भी पट्टी को काटा जाता है, लेकिन अगर जैसे इसमें से जो पट्टी निकली है गला से उसको रख के भी इस तरह से निशान लगा के आप काट सकते हैं। देखिए, जैसे गले में से जो पट्टी निकली है उसी भाग से इस तरह से निशान लगा के आप गले की पट्टी निकाल सकती हैं। इसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए, तो इस तरह से इसकी इसको भी इसी शेप में आकार देना है। देखिए, ये निशान लग गया। अब इसको हटा दीजिए और इसकी कटिंग इसको बराबर करना है पहले कपड़े को। कट गई, देखिए गले की पट्टी कट गई। अब गले पे ज्वाइन करना है। जैसे ये पट्टी देखिए, ये सीधे की साइड में है, ये पीछे की साइड में है, तो इसको इस तरह से सीधे की साइड में इसको रखते हुए इसकी सिलाई लगाना है। इस सेंटर को इसमें मिलाते हुए सिलाई को लगाना है। इस तरह से सिलाई ऐसा लगाना है। देखिए, जो डिजाइन बना है इसी के पास में लगेगी डिजाइन सिलाई। से आपको घुमा लेना है, सुई अंदर रहे, उसके बाद कपड़े को घुमाना है, फिर उसके बाद आपको इसी तरह से सिलाई लगाना है। क्योंकि गला पहले से बना है, बस आकार में आपको गला तैयार करना है। देखिए, इस तरह से सिलाई लग के तैयार हो गई। अब इसके जो सेंटर में है, ये जो वी आकार में गला बना है, इसको जो है आपको कट लगाना है। देखिए, इसको इस तरह से कट लगाना है ताकि जो है अच्छे से शेप आ जाए। इस तरह से गला सेट करने के बाद इसको जो है, देखिए ये पट्टी इस तरह से है, फिर आप इसको एक बार इस तरह से सिलाई लगा दीजिए ताकि फिर जो है तुरपाई करने में आराम रहे। तो गले को आप पाइपिंग द्वारा भी सही कर बना सकती हैं, गले पट्टी द्वारा। इस तरह से आप एक सिलाई इस तरह से लगा देंगी।
घुमा लेना है। देखिए इसी तरह करना है। देखिए अब इस तरह से सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। अब इसको इस तरह से उल्टी की साइड में इस तरह से रख के फिर एक सिलाई लगाना है। इसी तरह से फिर घुमा के इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। देखिए सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। इसको अंदर करना है, इस कपड़े को इसको अंदर करना है। तो इस तरह से इसको सिलाई लगाना है। देखिए इसको 5 नंबर के टाकिप करके सिलाई लगाना है क्योंकि इसको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको देखिए गले की पट्टी लग के कंप्लीट हो गया। गला देखिए जिस आकार में था उसी सेम में बन गया। अब पीछे का पल्ला लेके इसको शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो देखिए पीछे का पल्ला है, देखिए इस तरफ सीधा है, इस तरफ सीधा है, तो हमको उल्टे बगल इस तरह से रख के सिलाई लगाना है। देखिए इस तरह से शोल्डर को मिला के ज्वाइंट हो गया। इसी तरह से दूसरा शोल्डर ज्वाइंट करना है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया, गला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है आस्तीन को सेट करना है। तो जैसे हमारा ये आस्तीन है, इसको पहले हम बॉटम कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिए कुटकर का निशान लगा है इस तरह से निशान। आपको बॉटम कंप्लीट करना है इस तरह से रख के। तुरपाई लगाना है तो लंबा टाका लगाना है आपको, इधर से सिलाई लगाना है आपको। देखिए
अब आपको इस तरह से करके इसी तरह से आपको दूसरा वाला भी कंप्लीट करना है। इसको भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। आस्तीन का बॉटम कंप्लीट हो गया। अब इसको सूट में ज्वाइन करना है। तो इस बात को ध्यान देना है, जो आगे की तरफ छाटा गया है 1.25 इंच, इसको आगे की साइड लगाना है। जैसे हमारा ये सूट है, देखिए ये सूट है, तो ये हमारा भाग आगे का है, तो ये छाटा हुआ भाग आगे की तरफ होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। जब देखिए सेंटर से रख के ज्वाइन करेंगे, दोनों साइड बराबर आएगा। सिलाई लग के एक साइड का कंप्लीट हो गया। फिर उसी तरह से इसको बराबर मिलाते हुए सिलाई को इसको घुमा के फिर लगा दीजिए डबल। एक आस्तीन लग के कंप्लीट हो गया। देखिए इसी तरह से सेम हम दूसरी आस्तीन भी ज्वाइन करते हैं। देखिए इसी तरह से दूसरी आस्तीन भी ज्वाइंट होगी। फिर इसको ऐसे डबल करना है। इस तरह से इसको मिलाते हुए इसको
तरह से ज्वाइंट होके कंप्लीट हो गई। अब देखिए दोनों आस्तीन इस तरह से लग के कंप्लीट हो गई है। देखिए अब इसकी फिटिंग लगाना है। देखिए बॉटम का नाप लेके अब कमर की फिटिंग लगाना है। कमर का बॉटम 4.5 इंच है, तो इस तरह से हमारा 4.5 यहाँ पे आया है। इस तरह से आपको फिर सिलाई लगाना है। इस तरह से इस निशान को ऐसे मिलाते हुए देखिए इस साइड जो है निशान लगा है ऑलरेडी पहले से, तो आपको इस निशान पे केवल सिलाई लगाना है। से फिटिंग लगाना है। ये आपका चेस्ट हिप लाइन है। यहाँ पे आपको सुई रोक के फिर इसको इस तरह से घुमाना है और एक से एक साइड का निशान लग गया है। अब इसी की सिलाई हम दूसरे साइड का भी सिलाई लगाएंगे। जैसे आप पीछे एक साइड में निशान लगा है, आप चाहे तो इधर भी लगा सकती हूँ। देखिए दोनों साइड में निशान लग गए और नीचे का ये जो तुरपाई वाला मोड़ दिया गया और इसमें लैस लग गया। अब ये साइड वाला जो है इस तरह से मोड़ा जाएगा, इस तरह से पकड़ के, इस तरह से जब सिलाई लगाया जाएगा और इस तरह से चाक को कंप्लीट किया जाएगा। इस तरह से पकड़ के इसको घुमा के फिर इसको इस तरह से मोड़ के घुमा के फिर इसको इस तरह से चाक को बनाया जाएगा। देखिए इस तरह से फिर इसको मोड़ के फिर जैसे उस तरह से इसको का बनके देखिए तैयार हो गया। इस तरह से आप देखिए दोनों साइड का निशान लग के कंप्लीट हो गया है। इस तरह दोनों साइड का निशान देखिए लग के कंप्लीट हो गया है। आगे इस तरह से लैस लग गया। अब आपको जो है चाक बनाना है, साइड का मोड़ना है, तो इस तरह से आपका आगे की पल्ले में लैस लगाना है और पीछे की साइड में
तुरपाई करना है। तो आपको जो है इस तरह से मोड़ना पड़ेगा, देखिए इस तरह से पकड़ के इसका माप लेते हुए इस तरह से इसको फोल्ड करिए, उसके बाद आपको सिलाई लगाना है। इस तरह करने के बाद अब आपको सिलाई लगाना है। देखिए अब इस पल्ले को भी इस तरह से पकड़ के बराबर कर लीजिए, उसके बाद इस तरह से पकड़ के इसको भी फोल्ड कर दीजिए।